ओह माय गॉड, ये है यामा RX 100 2024 एडिशन। कीमत और माइलेज जान के आपके होश उड़ने वाले हैं, मजा आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं यामा RX 100 के पूरे इतिहास के बारे में, कि मार्केट में यामा RX 100 क्यों लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, मार्केट में कैसा उसका रिस्पांस रहा आने के बाद, कितना बड़ा मार्केट इंडिया में वो बनाया, इंडियन बाजार को किस तरीके से उन्होंने कब्जा करा, अचानक से इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भारत में बैन क्यों हुआ। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिया में फिर से रीलॉन्च हो रहा है यामा का RX 100 मॉडल, जो इंडिया में धमाका मचने वाला है, क्या होंगे उसके स्पेसिफिकेशन, कितना प्राइस होगा, कैसा दिखता है ये बाइक, और मार्केट में आने के बाद कैसा इसका रिस्पॉन्स होने वाला है, वो आज सारी बात करेंगे। बने रहना आज की इस वीडियो में, बहुत 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 मजा आने वाला है। मैं हूं सोहेल, आप देख रहे हैं बहरा टेक्नो व्लॉग्स, बने रहो। वो बात है उन दिनों की जब यामा का सबसे पॉपुलर बाइक यामा राजदूत 350 का सेल जो है गिर के जीरो हो गया था। बाइक में कोई भी अपडेट ना करने के कारण कस्टमर ने अपना हाथ पीछे कर लिया। धीरे धीरे यामा राजदूत 350 का सेल जो है जीरो हो गया था, टॉप से बॉटम पे आ गया था। कंपनी को ये लगने लगा कि अब जो है यामा कंपनी को ये लगने लगा कि अब जो है कोई ऐसा बाइक फिर से लॉन्च करना पड़ेगा भारत के बाजार में, इतने बड़े बाजार में, जो यामा कंपनी की इज्जत को बचा के रखे, साथ ही साथ पैसा बना के दे। तो यामा कंपनी जो जापान की कंपनी है, उन्होंने फिर से लॉन्च करा 1985 के आसपास यामा RX 100। इस बार जो लॉन्च करा था एस्कॉर्ट कंपनी के साथ मिलके, यामा जापान की कंपनी थी, इंडियन जो है कंपनी थी एस्कॉर्ट लिमिटेड। 1985 में दोनों मर्ज हो गई, कोलाबोरेट करके एक नए बाइक को जन्म दिया जो था RX 100। बस यामा ने अपने क्वालिटी को मेंटेन रखा, साउंड क्वालिटी, साथ ही साथ जो गियर था उसने 5 गियर डाला, स्पीड काफ़ी शानदार डाला। मार्केट में आते ही यामा का नाम पहले से था ही, मॉडल को देखते ही यामा RX 100 को आप अगर देखते हो, उसकी आवाज़ सुनते हो, तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने खास तौर पे यामा को चलाया है, यूज़ किया है साल दर साल, वो यामा के फैन रह चुके हैं। यामा RX 100 का वो क्रेज़ था 90s में कि जिनके पास पैसे थे उन्होंने तो लिया ही लिया, जिनके पास पैसे नहीं भी थे उन्होंने लोन से फाइनेंस करवा के जैसे तैसे करके RX 100 को खरीदा, क्योंकि यूथ का एक क्रेज था। ये था यामा RX 100 के लॉन्च होने का इतिहास। अब मैं आपको बता दूं कि मार्केट में इतना ज़बरदस्त पकड़ बनाने के बावजूद, इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा भारत में बाजार बनाने के बावजूद, अचानक से यामा RX 100 को इंडिया में बैन क्यों किया। उसका रीज़न ये था कि भारत सरकार ने 1996 में लगभग 10-11 सालों बाद एक भारत स्टेज नाम से एक इमिशन लाया गया था भारत सरकार का। इसमें यह था जो भी कंपनी की बाइक थी अगर भारत स्टेज में खड़ा नहीं उतरता है, यानी कि भारत स्टेज एक ऐसा इमिशन था जिसमें आपकी बाइक अगर ज़्यादा पोल्यूशन देती है तो आपके बाइक को मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इंजन में फेरबदल की जरूरत है, ठीक है, भारत सरकार का ये नियम था। लेकिन यामा RX 100 में उसके इंजन में इतनी कम्प्लिसिटी थी कि कंपनी को ये लगा कि ज़्यादा फेरबदल करना मेरे बाइक को नुकसानदेह होगा, कस्टमर भाग जाएंगे, इस अच्छा है कि बाइक को मार्केट से हटा लिया जाए। कंपनी ने अचानक से अनाउंस किया 1996 के लास्ट में दिसंबर महीने में कि मैं मार्केट से अपने मॉडल यामा RX 100 को मार्केट से पूरी तरीके से सीज कर रहा हूँ, मार्केट से हटा रहा हूँ। जिनको बाइक चाहिए वो अभी खरीद सकते हैं, खरीद लो, जो मार्केट में चल रहा है बस वही चलेगा। लगभग 1-2 साल तक इसके पार्ट्स बिकेंगे, सर्विस सेंटर खुली रहेंगी, इसके बाद से यामा RX 100 मार्केट में मिलने बंद हो जाएंगे। अफवाह ये भी थी मार्केट में कि ये बंद होने का सबसे बड़ा जो कारण ये है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण, साथ ही साथ 90s में एक सिंगल बाइक यामा RX 100 ही था जिसे चाबी डालते ही किसी भी गियर में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो लोगों को ये लगा, अफवाह फैल गई मार्केट में, ये बाज़ार में ये, कि यामा RX 100 से जो है चेन स्नेचिंग, यानी कि चोरी चमारी चकारी जो है छीना छपटी बहुत होने लगा है। चोर को बस करना कुछ नहीं है, किसी का ये पर्स छीना, चेन स्नेच किया, छीना कुछ भी, बाइक में चाबी डाला, किसी भी गियर में बाइक है स्टार्ट करके फुर मिनटों में गायब। तो यामा RX 100 चोरी करने में एक हेल्पफुल व्हीकल बन गया था चोरों के बीच, ठीक है, ये अफवाह फैल गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हुआ था भारत सरकार के नियम पे ना उतरने के कारण। कंपनी को मॉडिफाई करना हर बाइक में पॉसिबल नहीं लगा उस टाइम पे, इंडिया के हर एजेंसी पे यामा RX 100 भरा हुआ था। हर बाइक को वापस मंगवाना, उसके इंजन में मॉडिफिकेशन करना, चेंज करने के बावजूद फिर से रीलॉन्च करना यामा RX 100 को, फिर से कस्टमर तक पहुँचाना, कंपनी को ये पॉसिबल लगा ही नहीं, इसलिए कंपनी ने परमानेंटली बंद कर दिया यामा RX 100 को। ये था पूरा इतिहास। अब मैं आपको बताता हूँ 2024 के इस साल लास्ट तक यामा RX 100 को फिर से कंपनी ने अनाउंस किया है रीलॉन्च करने का,
क्या होगा प्राइस मैं आपको बता दूं, लगभग 1,20,000 से 1,27,000 के बीच इसके दो तीन वेरिएंट आएंगे, दो तीन अलग अलग कलर के साथ, जो इसका फेवरेट कलर है येलो, व्हाइट, ब्लैक, बैगनी और ब्लू, लगभग चार कलर के साथ ये मार्केट में उतरेंगे। पहले जो था फिफ्थ गियर था, इसमें जो है पोल्यूशन का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है, BS6 में आने वाला है, इसलिए साउंड क्वालिटी जो है पहले जैसा नहीं रहेगा, एग्जॉस्ट जो है नॉर्मल एग्जॉस्ट के साथ आ रहा है। इतना फेमस बाइक अगर आपको फिर से रीलॉन्च करके कंपनी दे रही है तो कुछ ना कुछ सोच के दे रही होगी अपने कस्टमर को। ये सिर्फ कुछ ऑफर प्राइस होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट पकड़ता जाएगा कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ते 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 1.5 लाख तक भी जा सकता है 2025 या 26 तक। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, छोटे भाई, बड़े भाई या दोस्त के नाते। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव बाकी मार्केट के बारे में जानने के लिए, ऑनलाइन चीपेस्ट शॉपिंग के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगता है तो। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, दवा के शॉपिंग करना और अपने सेहत का ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।